नमस्कार, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। आपको यदि सब्जी की खेती से पैसा कमाना है तो आपको समय का ध्यान रखना होगा। आज इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि मई के महीने में यदि आप, मैं जो आपको तीन फसलें बताऊंगा उन्हें यदि आप कास्ट करते हैं तो आप यकीन मानिए आपको उनके रेट तो बढ़िया मिलेंगे ही, साथ में उनका उत्पादन भी आपको बढ़िया मिलेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बरसात के समय के लिए जब भी आप कोई सब्जी लगाएं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी जमीन की जो तैयारी है वो अच्छी होनी चाहिए। जमीन की तैयारियों में सबसे खास बात यह है कि आपकी जमीन की गहरी जुताई अच्छे से होनी चाहिए। गहरी जुताई के कई फायदे हैं। गहरी जुताई करने से जो जमीन संबंधी हमारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे दीमक है आपका, जैसे नेमाटोड है, ये जो समस्याएं आपकी नहीं आती हैं, जैसे विल्ट की समस्या है वो भी नहीं आती है। क्योंकि जब तापमान ज़्यादा होता है और तापमान के संपर्क में आने के कारण जो है जितने भी इंसेक्ट होते हैं, जितने भी कीटक होते हैं, वह समाप्त हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी फसल पर, आने वाली फसल पर रोग काम आते हैं जड़ संबंधी। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई सब्जी वर्गीय खेती करें तो उस पर जो है आपको देसी खाद यानी गोबर खाद की मात्रा आपको देनी चाहिए। गोबर खाद की जो मात्रा है आपको पूरे खेत पर ना फैलाकर आपको बेड के ऊपर देना चाहिए। बेड के ऊपर देने से फ़ायदा ये होता है कि आपको कम खाद पर जो है ज़्यादा उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो आप बेड बनाएं पहले और बेड बनाने के बाद उस पर गोबर खाद, वर्मिंग कंपोस्ट वगैरह आप डाल दें और उसके साथ में आप चाहे तो DAP है, सुपर फास्फेट है, MOP है, सागरिका है एपो कंपनी की, सल्फर की मात्रा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इनको आपको देना चाहिए ताकि आपकी जो फसल आप लगाने वाले हो, मान लीजिए ये फसल है, इसकी बेड वर्क जो देते हैं तो इसको शुरुआती अवस्था से पोषक तत्व अच्छे से मिलते हैं तो यह जो है ग्रोथ अच्छे से लेती है। तो ये जो दो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत ही आवश्यक है किसी भी सब्जी को लगाने के पहले। और तीसरी बात यह है कि आप जब भी कोई फसल लगा रहे हो तो आपको मल्चिंग की व्यवस्था करनी है, क्योंकि मल्चिंग से काफ़ी फायदे होते हैं। एक तो नमी मेंटेन रहती है, ना ज़्यादा नमी होती है और ना ही ज़्यादा नमी कम होती है, और जो कचरे की समस्या होती है, जो खरपतवार की समस्या आती है, वो भी हमारी फसल पर नहीं होती है। तो आपने यदि तीन पॉइंटों को ध्यान रखकर सब्जी की खेती की तो आप यकीन मानिए आपकी जो फसल है बहुत ही बढ़िया चलती है और उस पर उत्पादन भी बहुत ही बढ़िया आता है, उस पर रोग भी बहुत कम आते हैं। अब हम उन तीन फसलों के बारे में जानकारी लेते हैं जो कि यदि आप मई के महीने में लगाते हैं तो आप अच्छा उत्पादन तो लेंगे ही, साथ में उसके रेट भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। तो उन फसलों में अगर हम देखें तो सबसे पहली फसल है बैगन। बैगन एक ऐसी फसल है जिस पर लागत बहुत ही कम आती है और रोग भी बहुत कम आते हैं, फंगस संबंधी रोग तो बहुत ही कम आते हैं। और अगर आप मई के महीने में लगाते हैं, यदि आपके पास नर्सरी तैयार है, तो आप पूरी मई कभी भी जो है इसकी TP कर सकते हैं। आपकी जो हार्वेस्टिंग है लगभग 45 से 50 दिनों में स्टार्ट हो जाती है, यानी आपके पास जो बैगन है वो जुलाई के महीने में आपके पास मंडी के लिए तैयार हो जाता है और जुलाई के महीने में आपको रेट तो बहुत ही बढ़िया मिलने ही वाले हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि बैगन की फसल पर जब भी आप बरसात के समय पर बैगन का उत्पादन लेने वाले हों तो आपको फ्रूट बोरर और शूट बोरर की समस्या यानी कि फल छेदक और तना छेदक की समस्या ज़्यादा आती है। और फल छेदक और तना छेदक को कंट्रोल करने के लिए आपको कई प्रकार के इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि डेलीगेट है, कोराजिन है, आपका सुमो प्रिंट है, सुमो पीलियो है, डाइपिल है, इस तरीके से जो महंगे टेक्निकल है इनको भी डालना होता है। यही एक कास्ट है जो कि बैगन की फसल पर लागत ज़्यादा बढ़ाती है। इनका एक तोड़ और है, वो है जैविक नियंत्रण। तो जैविक नियंत्रण आप जो है फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल यदि आप 10 से 20 अगर प्रति एकड़ के साथ लगाते हैं तो आपको जो फ्रूट बोरर और शूट बोरर की समस्या है वो नहीं आती है। इस बात को ध्यान रखना है कि आपको फूल लगने के पहले ही फेरोमोन ट्रैप को अपने प्लाट पर लगाना होगा। तो आप देखेंगे पहले से ही जो मक्खी है वह ट्रैप हो जाती है और आपकी जो बीमारी है वो नहीं बढ़ पाती है। तो आपकी हार्वेस्टिंग बढ़िया आती है, हार्वेस्टिंग बढ़िया आती है, फल जो है बढ़िया आते हैं, उस पर कीड़े नहीं होते हैं, तो उसके जो मार्केट पर रेट हैं बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। और आप रिकॉर्ड उठाकर देखें, मंडी पर पहले बात कर लें, आपको 25 रुपये KG होलसेल से नीचे के रेट आपको कभी भी नहीं मिल सकते बरसात के समय पर। तो आप बैगन की फसल को भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपको फ्रूट बोरर और शूट बोरर से आपको अपनी फसल को बचाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप चाहे तो बैगन को भी लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरी फसल है दोस्तों, ये हमारी लौकी। लौकी एक ऐसी फसल है जो कि बीज की मात्रा भी कम लगती है, बीज के इसके रेट भी कम है, और आप मई के महीने पर पूरी मई कभी भी आप लगा लें इसको, इसका उत्पादन तो बहुत ही ज़्यादा आता है। सबसे ज़्यादा लौकी का उत्पादन आप ले सकते हैं, लेकिन लौकी को लगाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको स्टेकिंग की व्यवस्था करनी है। सबसे पहले आप जो है अगर बेड से बेड की दूरी देखें तो आपको बेड से बेड की दूरी कम 6 फीट रखनी है।
ठीक है, 6 फीट आप बेड से बेड की दूरी रखेंगे और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो आपको लगभग 2 फीट से लेकर 3 फीट तक आपको रखनी है। और आप 6 फीट की दूरी पर जगेंगे, जाल बनाएंगे उस पर, चाहे तो आप खड़ी स्टेकिंग भी इसमें ले सकते हैं और जो ऊपर से जाल बनता है उससे भी आप लगा सकते हैं। यदि ऊपर की जाल की व्यवस्था आपके पास नहीं है तो आप जो है, जैसे कि आप टमाटर वगैरह में, खीरे वगैरह में, जैसे आपने देखा है, ये इस तरीके से आप जो है स्टेकिंग करके भी अच्छा खासा मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे लौकी की जो रेट है आपको 10 रुपये के जी भी मिल जाते हैं, लेकिन बरसात के समय पर अगर आप देखें तो लौकी के जो रेट हैं वो पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि आपको 15 से 20 रुपये मिल जाते हैं। यदि बरसात ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ी सी समस्याएं इसमें ज़्यादा आती हैं, जैसे कि पाउडर मिल्डी की समस्या, डाउन मिल्डी की समस्या, इनको आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। और इसमें भी एक फल मक्खी की समस्या आती है, ठीक है, फूड बोर की समस्या इसमें भी आती है, तो उसके लिए भी आपको फेरोमोन ट्रैप लगाना होगा जो फल मक्खी के लिए, ठीक है। तो आप जो है बिना दवाई के भी फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों लौकी एक ऐसी फसल है जिसमें हार्वेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा आती है और इसकी जो तुड़ाई है इसमें लेबर का खर्चा बहुत ही कम है, तो आपके खर्चे कम हो जाते हैं। रोग इसमें फूड बोरर की समस्या ज़्यादा आती है, दूसरा कुछ वाइट फ्लाई की समस्याएं हैं, बाकी इसके अलावा ज़्यादा समस्याएं इसमें नहीं आती है। हाँ, बारिश जब स्टार्ट हो जाती है उस समय पर डाउनी मिल्डी और पाउडरी मिल्डी की समस्या हमें देखने को मिलती है, तो आप लौकी का चयन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगली फसल हम देखें तो अगली फसल है दोस्तों खीरा। खीरा मेरी फेवरेट फसल है और मैं अधिकतर टमाटर की फसल को लगाने से पहले खीरे की फसल को लेता हूँ। यदि आप मई के महीने में खीरे की फसल को लगाते हैं तो आप देखेंगे आपकी जो खीरे की फसल है वो अगस्त तक चलेगी, और अगस्त के महीने में यदि आप टमाटर की टिप उसी जगह पर कर देते हैं तो आपको आम के आम और गुठलियों के भी दाम भी मिलने वाले हैं। दोस्तों जब आप खीरे की फसल को मई के महीने में लगाते हैं तो आप देखेंगे आपकी जो हार्वेस्टिंग है वो अगस्त के महीने में समाप्त हो जाती है, और अगस्त के महीने में उसे निकलने के बाद उसी जगह पर, उसी होल पर आप जो है, उसी स्टेकिंग पर, उसी मल्चिंग पर आप जो है टमाटर को लगा सकते हैं। और आपने जो पैसा कमाया था खीरे पर, आप वह जो पैसा है आप टमाटर की फसल में लागत में खर्च कर सकते हैं, यानी कि टमाटर की फसल पर आपको पैसे पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो आप खीरे का चयन भी कर सकते हैं। खीरे का चयन जब आप करते हैं तो आपको ध्यान रखने वाली बात यही है कि उसमें भी फूड बोर की समस्या ज़्यादा आती है, फल मक्खी की समस्या आती है, उसके लिए आपको जो है फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए। और पाउडरी मिल्डी और डाउनी मिल्डी की समस्या आती है, तो पाउडरी मिल्डी और डाउनी मिल्डी के लिए आपको समय समय पर फंगीसाइड का इस्तेमाल करना होता है, जैसे एमएस्टॉप है, कस्टोडिया है, ठीक है, एक्रोबेट कंप्लीट है, एक्विसन प्रो है, COC है, इनका इस्तेमाल बारी बारी जब आप करते हैं तो आपको ये समस्याएं नहीं आती है। फल गलन की थोड़ी समस्याएं आती है तो फल गलन की आप जो है रोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों खीरा की फसल ऐसी फसल है जिसके यदि रेट आपको 10 रुपये के जी भी अगर होलसेल में मिल जाते हैं तो इसका उत्पादन जो है लगभग 200 क्विंटल से लेकर 300 क्विंटल तक होता है, और इस पर समय अवधि कम रहती है, आपकी 35 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है और अगले 35 से 40 दिनों तक चलती है, यानी कि 2.5 से 3 महीने पर आपके खेत जो है खाली हो जाता है। तो आपको कम समय होने के कारण इसमें लागत जो है बहुत ही कम लगती है और उत्पादन ज़्यादा होने के कारण आपको मुनाफा भी ज़्यादा मिलता है, तो आप चाहें तो खीरे की फसल को भी लगा सकते हैं। वैरायटी अगर हम बात करें तो इसमें आप चाहें तो लौकी पर देखें तो हरुणा जो कि वीनर कंपनी की आती है, सरिता वीनर कंपनी की आती है, माइको की 8 नंबर, माइको की वरद, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। खीरे की अगर हम देखें वैरायटी के बारे में तो खीरे में आप जो है क्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सायरा है, नैनम सीड की मारिया है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर बैगन की बात करें तो बैगन के लिए आप सबसे पहले मार्केट पर पता करें कि आपके एरिया पर बैगन कैसा चलता है। यदि लंबा बैगन चलता हो तो लंबा बैगन लगाएं आप, आपके हरा बैगन चलता हो तो हरे बैगन में उत्कल है, हर्ष है, BNR कंपनी का, इनको आप लगा सकते हैं। बैगनी कलर में अगर आपके यहाँ काले भट्टे में चलता है तो आप चाहें तो BNR कंपनी का 212 लगा सकते हैं। माइको कंपनी का आता बड़ा भट्टा बैगन पड़ता, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो आप अपने एरिया पर सबसे पहले देखें मंडी पर जाकर कि आपके एरिया पर बैगन कौन सा चलता है, उसके हिसाब से आप बैगन की फसल को लगाएं और अन्य फसलों को भी आप इसी हिसाब से लगा सकते हैं। दोस्तों हमने इस वीडियो पर आपको 3 फसलें ऐसी बताई हैं जो कि आप मई के महीने पर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, कम समय पर ज़्यादा उत्पादन भी और ज़्यादा उसके रेट भी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर लेकर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।